हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजू, अंजू ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो बस मैं आज ब्लॉग शूट करने का कुछ था ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करती, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी हो गए हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं और बाहर देखिए कितनी धूप है। ये देखिए बाहर का नज़ारा। तो अभी बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी है चटनी की, जो बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपके पास नहीं है। आपके किचन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबके पास होती है। मैं बताती हूँ आपको क्या है। मूँगफली जो हम सबके घर में होती है ना, तो ये मैंने थोड़ी सी मूँगफली ली है। यह है सूखी लाल मिर्च और यह है लहसुन, और इसमें हम डालेंगे नमक। और इसको हम बनाने वाले हैं सरसों तेल से। तो इसमें मैंने कढ़ाई में तेल ऑलरेडी डाल लिया है। तो अभी अब हम क्या करेंगे, पहले सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम अब हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इस तेल में हम डालेंगे मिर्ची। तो ये हमने मिर्ची डाल दी है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और जब हम फ्राई करेंगे तो ये है ना थोड़ी कुरकुरी हो जाएगी फ्राई होने के बाद, तो इसकी चटनी बनाने में थोड़ा ठीक रहेगा। एक तो ये रहेगा, मैंने सारी मिर्चियों का निकाल लिया था बट ये एक रह गया है। और मैंने प्लेट रख ली है, मैं निकालते जाऊंगी। अगर मैं कैमरा से रख दूंगी ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस तरह से हाथ पे रख रखा है कि आसानी से दिखा सकूं। तो बस ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। देखिए तो अब हम इसको निकाल लेंगे। गई है ये, पर जल्दी हो जाती है। फिर इसका ना कलर भी चले जाएगा, रेड नहीं होगा, फिर चटनी में बहुत कलरफुल नहीं दिखेगी। तो इसलिए ऐसे बस आसानी से ऐसे निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम और भी सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। तो अब हम फ्राई कर लेते हैं थोड़े से फली के दिन। देखिए मैंने ये जो मिर्ची है ये ज़्यादा नहीं है, 20-25, हाँ 20 के करीब मिर्ची है बस। ज़्यादा मिर्ची नहीं ली, हम चटनी थोड़ी ही बनाएंगे। और ये मूंगफली है, मूंगफली के दाने, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मिर्ची की आवाज़ आ रही है देखिए, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा नहीं तो ये जलते भी बहुत जल्दी, क्योंकि ऑयल जो हमारा है वो अच्छा खासा गर्म है। इसकी फ्लेम बस हमने कम कर रखी है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो फटाफट निकाल लें। बहुत जल्दी चटनी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। अभी सर्दियों के दिन में अगर आप सुबह पराठे के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और पूरे खाने के साथ भी आप इसको खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसको फर्स्ट टाइम मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि इसके पहले ना हम जो फली का तेल होता है हमारा घर में जो हम यूज़ करते हैं बस उसी तेल में बना लेते थे, पर ये फर्स्ट टाइम मैं इसमें बना रही हूँ। तो अभी हमारे फली के दाने भी अच्छे से हो गए, देख लीजिए फूट गए हैं, ये देख लीजिए, और खुशबू भी आने लगी है। तो इसको भी हम साथ में ही रख लेंगे। तेल को बस अच्छे से गरम कर लें, तेल जो सरसों का तेल है ना जब अच्छे से गरम हो जाता है तो उसका जो कलर भी चेंज हो जाता है, फिर वो उतना येलो नहीं दिखता है। और फिर उसमें फ्राई करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया। अब बचे ये लहसुन, मैंने अच्छे खासे अच्छे मतलब मैंने इसमें ना दो कलियाँ ली हैं, बड़ी बड़ी जो कलियाँ थी वो दो पूरी ली हैं, को भी अब फ्राई कर लेंगे। ये
थोड़ी गोल्डन गोल्डन से हो जाएंगे ना, फिर इसको भी हम निकाल लेंगे। बहुत जल्दी बनके तैयार होने वाली चटनी है और बहुत अच्छी लगती है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये फ्राइड है तो ये ख़राब नहीं होती है। आप इसको अच्छे से 15-20 दिन तक स्टोर करके रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। कांच के जार में अच्छे से इसको भर के रख दो, बहुत अच्छे से चलती है। अभी तो मैं थोड़ी बना रही हूँ, तो ज़्यादा भी बनाते हैं हमारे यहाँ, ये बहुत अच्छी लगती है सबको। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ और चटनी भी बना लेती हूँ। बस थोड़ा लहसुन को टाइम लगता है गोल्डन होने में, ये हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम में रख दिया है ताकि ये थोड़ा हो जाए तेल, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था ना, तो तेल बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए लहसुन डालने के बाद थोड़ा तो तेल गर्म होना चाहिए, अच्छे से सिक जाए। अच्छे तरीके से इसको लाल करना है, बिल्कुल टाइम लेके थोड़ा सा, और अच्छे से इसको थोड़ा ब्राउन हो जाए गोल्डन। देखिए ये हल्के हल्के से गोल्डन स्टार्ट भी हो गया, मतलब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए दिख रहे हल्के हल्के गोल्डन स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। ज़्यादा भी नहीं करना है, अब मैं गैस बंद कर दी। देखिए मैंने गैस बंद कर दी, क्योंकि इस स्टेज पे क्या है ना कि और ही गर्म है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से जाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। ज़्यादा देर हम इसको रखें ना, ये जल जाएंगे, उनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ऐसे देखिए, ये देखिए इसका कलर देखिए आप, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर है। अब बस को यही चाहिए, मिक्स कर लिया है। मतलब मिक्स क्या कर लिया है, पूरा ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद, तो ये 2 मिनट में थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। पीसने के वक्त हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, मतलब 1 चम्मच, और थोड़ा सा जीरा सेक के, कच्चा जीरा नहीं डालना है, थोड़ा सा ये जीरा है इसको मैं सेक लेती हूँ। जब तक हम ऑयल में नहीं डाल रहे, क्योंकि हम चटनी पे ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है, तो ये मैं थोड़ा सा सेक लेती हूँ मसाले पे थोड़ा सा। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैं जीरा भी भूज लेती खाती हूँ, ये देखिए तवे पे इसको इस तरह से, बस 1 चम्मच जीरा है ये, इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे और नमक डाल देंगे, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। ये देखिए हल्का सा जीरा भी फूटने लग जाए, वो भी इसमें मिक्स कर लूँगी। तो गाइस मैं आपको पीस के और फिर दिखाती हूँ कि ये कैसी दिखती है।
ये मिक्स कर लिया है अच्छे से, मिक्सी में इसको पीस लिया है। ये देखिए, ये मैंने ऑयल में फ्राई किया था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको। ये देखिए इस तरह से, ऐसे दानेदार ही पीसना है, एकदम चिकना ही नहीं पीसना है। ये देखिए इस तरह से ये पीस लिया है। अभी आपको दिखाते हैं, और ये रहा मेरा कांच का जार जिसमें मैं अच्छे से ऐसे डाल दूंगी। बस आप इसको बना के रख लीजिए और एंजॉय करते रहिए अपनी सर्दियों को, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें सरसों का तेल भी है, लहसुन भी है, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई थी, सिर्फ मिर्ची बताई थी कि मैंने 10-20 मिर्ची ले ली थी। तो उसमें आप एक छोटी कटोरी ले सकते हैं मूंगफली दाने और सींग दाने, तो बोलते हैं मूंगफली के दाने या सींग दाने, आप जो भी बोलते हैं, तो बस वही है। और जीरा 1 चम्मच लिया था मैंने, नमक अपने स्वाद अनुसार, और लहसुन की 2 कलियाँ ली थी। लहसुन थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 कलियाँ ली थी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप 1 ही डालो, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा और डाल लो। तो ये बस जो देखिए ये बन के तैयार हो गई। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सरसों का तेल 1 चम्मच। सारी चीज़ें मिल गई हैं, ये देखिए बस 1 चम्मच तेल हमको इसमें मिक्स कर देना है, बस हो गया। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके बॉटल में रख देना है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से ऐसे, चम्मच में बहुत सारा लग चुका है तो मैंने इसको ऐसे हाथ से कर दिया है। ये ठंडी हो गई है गाइस, मैंने इसको ठंडा होने पे ही पीसा था। तो अब मैं इस जार को बंद कर दूँगी। तो अभी आप इस चटनी को 15-20 दिन आराम से रख सकते हैं बिना फ्रिज के। अगर आपको ज़्यादा टाइम रखना है तो आप फ्रिज पे भी रख सकते हो। वैसे तो ये बिना फ्रिज के भी बहुत अच्छे से रहती है, ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाली है, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको पसंद आती तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।